Good morning, students. Today we will start our first unit of science. Name our needs. Chapter name is growing plant. Plants are living things. They play a very important role in our life. They gives us lots of things. They also gives us oxygen for breathe. यू नो दैट हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें मिल रही हैं हम सांस ले रहे हैं हमारे आसपास जो बेड है कुर्सी है जो ये दरवाजे हैं खिड़कियां हैं ये सब चीज़ें हमें किससे मिली हैं सिर्फ प्लांट से मिली हैं सो प्लांट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड वी कान्ट लिव विदाउट प्लांट्स सो बिफोर वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर यू विल डू वन एक्टिविटी आई आई विल री सेंड इट इन द ग्रुप एंड यू विल फाइंड आउट सिक्स थिंग्स इन फ्राम दिस पिक्चर विच वी गेट फ्राम द प्लांट्स स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा अपने घर के आसपास या कभी अंकल को आ, खेतों में काम करते हुए देखा होगा कि वो किस तरह से प्लान्स को ग्रो करते हैं Uh, we can ग्रो प्लांट्स through सीड्स स्टेम्स रूट्स एंड लीव्स विच यू कैन सी इन दिस वीडियो विथ सीड्स स्टेम्स रूट्स एंड लीव्स आपने देखा होगा कि बीजों को लगाकर पौधे कुछ दिनों में निकलते हैं इससे रिलेटेड वीडियो और सबसे फर्स्ट वीडियो जो हमने पिछले दस दिनों में किया था कि बीज से किस तरह से जौ से वो पौधा बढ़ता हुआ दिखाई दिया था हमें नाइन डेज़ में और वैसे ही आपने रोज़ प्लांट में देखा होगा कि रोज़ प्लांट जो है उसके स्टेम को कटिंग करके हम दोबारा से एक नया पौधा निकाल लेते हैं बन जाता है एक नया पौधा और आपने देखा होगा कि एक प्लांट के पास में उसके रूट से वहीं दूसरा पौधा उग जाता है तो उसको अलग करके हम दूसरी जगह पे भी उसको ग्रो कर करवा सकते हैं और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने कभी देखी होगी कि लीव्स में से लीव्स लेकर निकलते हैं और उस पार्ट को वहां से निकाल कर अगर सॉइल में कहीं पर लगाया जाए तो वहां से भी एक नया प्लांट ग्रो अप हो जाता है और ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी बीन सीड जिसमें क्या होता है एक सीड कोट होता है सबसे बाहर की तरफ आप देख सकते हैं एंड आउटर कवरिंग प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इन एक प्रोटेक्टर की तरह वो काम करता है जिसके अंदर बेबी प्लांट जो है उसके अंदर में होता है और आप देख सकते हैं इसके पास एक होल होता है सीड होल जो कि वाटर को एंटर करने के लिए अलाउ करता है सीड होल अलाउज वाटर टू तो एंटर द सीड और आप देखिए कि इसमें जो कॉटिलेडन्स हैं वो क्या करते हैं बेबी प्लांट्स को के लिए फूड को स्टोर करते हैं और आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं वो है एम्ब्रॉय वो उस बेबी प्लांट के अंदर ग्रो होता है यू विल ड्रॉ दिस पिक्चर इन योर नोटबुक ऑल्सो विद बच्चों आपने देखा होगा कि एक पौधे में बहुत सारे सीड्स होते हैं लेकिन वो सारे सीड्स न्यू प्लांट्स ग्रोप नहीं करते हैं उसमें से कुछ सीड्स जो है एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं कुछ ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं हम भी यूज करते हैं वो सब और कुछ सीड्स जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं दे डो नॉट ग्रो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाई द विंड एंड और रेन कुछ बीच क्या होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हवा या पानी से और सम सीड्स डो नॉट गेट प्रॉपर कंडीशन नीडिड टू ग्रो जैसे कि एक सीड को प्रॉपर कंडीशन चाहिए होती है ग्रो अप करने के लिए वो उसको कंडीशन नहीं मिल पाती है तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं वैन अ हेल्दी सीड गेट्स राइट कंडीशन राइट अमाउंट ऑफ एयर वाटर एंड वार्म इट ग्रोज इंटू अ बेबी प्लांट कॉल सिडलिंग जब कभी एक हेल्दी सीड को कोई राइट right कंडीशन एक अच्छी स्थिति मिलती है जिसमें प्रॉप जितना पानी चाहिए जितना उसको हवा चाहिए वो सब उसको बराबर मिलता है तब वो जाके एक बेबी प्लांट में ग्रो हो जाता है जिसे हम देख सकते हैं इस पिक्चर में उसे कहते हैं सिडलिंग और इस प्रोसेस में क्या होता है द प्रोसेस बाई विच अ सीड ग्रोज इंटू अ न्यू प्लांट जर्मिनेशन। एक सीड जो है वो न्यू प्लांट में जब ग्रो करता है तो उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन एंड शुड नो ड्यूरिंग जर्मिनेशन के प्रोसेस में सीडलिंग जो है वो फूड कहाँ से लेता है वो फूड लेता है लीव से फूड फ्रॉम द सीड लीव्स सीड की जो लीफ होती है उससे लेता है जिसमें जो आप पिक्चर में देख सकते हैं कॉटलीडं यहां से लेते हैं द सिडलिंग यूज स्टोर फूड अंटिल इट ग्रोज इट्स ओन रूट एंड लीव्स आफ्टर द फूड स्टोर इन द हैज दे एंड फॉल ऑफ जब कोई uh, seedling जो होती है वो फूड को स्टोर करती है तो वो तब तक ग्रो नहीं कर पाती है जब तक वो प्रॉपर रूट और लीव्स में चेंज नहीं हो जाते हैं जब वो कॉटलीडेंस स्टोर करके रख लेता है अपने पास में तो वो क्या होता है कि जब वो ग्रो कर रहा होता है डेवलप करता है तो धीरे धीरे से उसमें से रूट्स और लीव्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है जो कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था जिसमें क्या होता है सूरज की रोशनी से एक पौधा जिसकी हरी पत्तियाँ होती हैं वो अपने पौधे में क्या करता है सूरज की रोशनी से खाना बनाता है और पूरे पौधे को ग्रो अप करवाता है तो उसका जो डेवलप होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है और द रूट ऑफ द प्लांट एब्सॉर्व द वॉटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल एंड लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट यू नो इट सो यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम जर्मिनेशन ऑफ सीड इन योर नोटबुक एंड यू विल नो हाउ अ सीड जर्मिनेट